आज जो हम बहुत दफा योग कराते हैं, कई जगहों पर इनविटेशन हमें मिलते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस और इंडस्ट्रीज में मिलते हैं और भी कई संस्थाओं में निमंत्रण मिलते हैं, तो हम तनाव दूर करने के लिए योग का अभ्यास बताते हैं। ज्यादातर प्रसिद्ध यही होता जा रहा है कि योग से तनाव मुक्ति होती है। तनाव मुक्ति तो एक उसका फल है, लेकिन ये तो वृक्ष जो है फलों से लदा हुआ है, योग रूपी जो वृक्ष है, इससे तो अनेक प्राप्तियां होती हैं। और जो मुख्य प्राप्ति है वो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है और भगवान साथी बन जाता है हमें, उससे जो उसकी विरासत है, इनहेरिटेंस है, वो उससे मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि चलते चलते ये बात थोड़ी गौण होती जा रही है और तनाव मुक्ति टेंशन फ्री ये ज्यादा होता जा रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोगों को आज पहले यही चीज चाहिए। परमात्मा के बारे में तो कई लोग मानते हैं, कई मानते भी नहीं है, और उनके जीवन में तनाव है उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। जो उनकी इमीडिएट नेसेसिटी है, फौरन जो चीज उन्हें चाहिए, वो तो यही है कि तनाव से मुक्ति हो। क्योंकि कुछ समय पहले कहा जाता था कि बेस्ट मैनेजर वो होता है जिसको हार्ट अटैक होता है। अगर हार्ट अटैक नहीं होता है या हृदय रोग से वो पीड़ित नहीं है तो बेस्ट मैनेजर कैसे हो सकता है? वो तो अलगर्ज आदमी होगा, अलबेला होगा, जिम्मेवारी से काम नहीं करता होगा, काम करने से जी चुराता होगा। काम तो इतना होता है, और लेबर से, वर्कर्स से, स्टाफ से इतना जूझना पड़ता है, और संसार में परिवर्तन इतने अधिक होते जा रहे हैं कि उन सब का सामना करना पड़ता है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैनेजर हार्ट अटैक का शिकार ना हो? तो ये कहा जाता था। लेकिन जब मेडिटेशन का ये लोगों ने समझा कि इससे रिलैक्सेशन होता है और स्ट्रेस खत्म हो जाता है, तब वो उक्ति जो मैनेजर के बारे में कही जाती थी, धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना छोड़ दिया। तो हम भी आजकल चूंकि मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, दूसरे भी कोर्सेज कराते हैं, तो मुख्यतः हम टेंशन फ्री लाइफ को, टेंशन फ्री मैनेजमेंट को देते हैं। कि मैं ये कह रहा था कि लोगों को नजदीक लाने के लिए ये एक अच्छा साधन है, उनके लिए आकर्षण है, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रहना चाहिए साकार बाबा के साथ जो हमारे जीवन के दिन बीते, हमने देखा कि बाबा इन चीजों को बहुत काम महत्व देते थे। जो स्वास्थ्य वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, जो होलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस करते हैं या हेल्थ की प्रदर्शनी बना रखी है, वो भी प्रायः यही कहते हैं कि बहुत सारी हमारी जो व्याधियां हैं, रोग हैं, वो मानसिक कारणों से हैं, तनाव के कारण से हैं, स्ट्रेस के कारण से हैं, और अगर उनको दूर करना हो तो योग का अभ्यास करना चाहिए। मेडिकल विंग वाले भी यही कह रहे हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग वाले भी यही कह रहे हैं, परंतु बाबा का कहना यह था कि स्वास्थ्य उससे प्राप्त होता है, ये एक काफी बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन हम तो सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद रोग नाम ही नहीं रहता। कभी कोई किसी को कोई बीमारी होती ही नहीं। लेकिन योग कोई केवल बीमारियों का अंत करने के लिए नहीं है, ना योग कोई केवल तनाव से मुक्त करने के लिए है। योग के तो अनंत लाभ हैं,
विश्व का स्वराज जो मिल जाता है, मृत्यु तक को जो हम जीत लेते हैं, मन में सदा जो आह्लाद आनंद शांति रहती है, दिव्य गुणों का और व्यक्तित्व का जो हमारा विकास होता है, क्या ये सब उपलब्धियां कम हैं? इनका कोई महत्व तो नहीं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, उससे बढ़कर दुनिया में और क्या है? जिसको हम कहते हैं कि स्वयं भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई टेंशन दूर होने से सब कुछ तो नहीं मिल गया, स्वास्थ्य ठीक होने से वो कहते हैं इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट तो नहीं कहते, पैसा तो पड़ा होता है बैंक में आदमी के। तो उस प्राप्ति को हमें स्वयं भी अपने ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमें हो रही है कि नहीं हो रही। आत्मा परमात्मा मिलन का जो सुख है, जिस सुख का मुकाबला दुनिया के राजभाग से भी नहीं है, जो पवित्रता के कारण से, दिव्यता के कारण से, रूहानियत के कारण से, हमारी जीवन पद्धति के फलस्वरूप हमें यहाँ मिलता है, योगी जीवन से जो हमें मिलता है, वो तो अद्वितीय है, अनुपमेय है, एग्जाम्पलरी है, उसकी कोई और मुकाबला नहीं है, उस जैसी दूसरी कोई चीज ही नहीं है, उसका कोई मूल्य दे ही नहीं सकता है। मिसाल के तौर से योग से जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, क्या किसी और पुरुषार्थ से होते हैं? नहीं होते। तो सिर्फ तनाव से मुक्ति की बात नहीं, बल्कि जब तक हमारे पुराने विकर्म तक न हो, हम सदा के लिए सुखी तो हो ही नहीं सकते। जीवन मुक्ति नाम की जो उपलब्धि है, वो तो हमारे नसीब में आ ही नहीं सकती। वो तभी आती है जब हमारा पुराना हिसाब किताब समाप्त होता है, और उस समाप्त के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, रुचि है योग के लिए, कल भी वहां कन्याओं की ट्रेनिंग की क्लास थी, तो हमने पूछा कि प्रभु मिलन के लिए इस ज्ञान में आने से पहले किसको कभी आंसू आए, किसके मन में पीड़ा थी, ऐसी पीड़ा कि मेरे प्रियतम मुझे मिले, आत्मा को ऐसी लगन कि वो परमात्मा से मेरा मिलन हो जाए, उसके बिना मैं अब जिंदा नहीं रह सकती, मेरा ये जीवन बेकार है, वो अगर मुझे नहीं प्राप्ति हुई तो मेरा ये समय जा रहा है, जीवन ही व्यर्थ है। क्या कभी जीवन में ज्ञान में आने से पहले किसी को ये अनुभव हुआ कि ऐसी कोई स्थिति आई? ये मैं पूछ रहा था उनसे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए जन्म जन्मांतर लोग संन्यास करते रहे, जंगलों में जाते रहे, शास्त्र वेद पढ़ते रहे, कंद मूल खाते रहे, तपस्या साधना करते रहे, जिसने जैसा कुछ भक्ति का कुछ मार्ग बताया उसको फॉलो करते रहे, तो यही समझकर कि अगर प्राप्ति है तो यही है। राजाओं ने राज भी छोड़ दिए इसके लिए, सेहत के लिए सिर्फ नहीं, जैसे मैंने बताया हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, बट ओनली हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट, हेल्थ के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अपने महत्व को रखती हैं। तो योग जो सिखाते हैं, योग की ट्रेनिंग देते हैं, या स्वयं भी जो योग का अभ्यास करते हैं, अगर ये बात उनकी बुद्धि से मिस हो जाती है, तो मैं समझता हूँ ये बाबा की कही हुई बात के थोड़ा सा रेखा से बाहर है। बाबा का कहना यह था कि जो योग है वो सर्वांगीण प्राप्ति कराता है, सर्वोपलब्धि कराता है, कोई चीज रह ही नहीं जाती, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसको प्राप्त काम कहा जाए, काम में सब प्राप्त हो जाएं एक साथ, और कोई संसार की ऐसी कोई यत्न या पुरुषार्थ या मेहनत नहीं है जिससे कि सब प्राप्तियां एक साथ हो जाएं। मनुष्य दवाई करता है, बीमारी दूर होती है,
खाना खाता है भूख दूर होती है, पानी पीता है प्यास दूर होती है, एक्सरसाइज करता है शरीर की नसें खुलती हैं, इत्यादि इत्यादि किसी एक पुरुषार्थ से 1, 2, 4, 10, 20, 25, 30 प्राप्तियां होती हैं। सर्व प्राप्तियां नहीं होती और सदा काल के लिए नहीं होती। तो सर्व प्राप्तियां सदा काल के लिए हो जाएं, उसके लिए मात्र योग ही एक उपाय है। ये हमें बुद्धि से खिसकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने एक किताब लिखी थी जो आजकल मिलती नहीं है, कंट्रास्ट, योग का कंट्रास्ट। एक तो था ज्ञान का कंट्रास्ट जी, योग का कंट्रास्ट जो मनुष्यात्मा ने अब तक योग सिखाती आई हैं और शिव बाबा जो योग सिखाते हैं उसमें क्या अंतर है। तो उसमें ये अंतरों में से एक ये अंतर जो मैंने बताया, जिससे ये प्राप्ति होती है कि सर्व प्राप्तियां एक साथ हो जाती हैं, सदा काल के लिए हो जाती है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों हो जाते हैं और एवर हेल्दी एवर हैप्पी, सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। कोई भी ऐसा पुरुषार्थ बताइए जिससे मनुष्य मृत्यु को जीत लेता हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। लोग मृत्युंजय का मंत्र जपते हैं, ये अपने वाला मृत्युंजय नहीं, इसका तो नाम मृत्युंजय है जी, लेकिन वो मृत्युंजय मंत्र है जो लोग इसलिए जाप करते हैं कि हे प्रभु, वैसे भी कहते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असदो मा सदगमय, कहते हैं ना, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, अमर बना दो। तो सचयुग में देवता क्या होते हैं? अमर होते हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है जिससे कि मनुष्य शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ दे जब चाहे। जैसे कोई वस्त्र उतारता है, गीता में कहा गया है कि शरीर वस्त्र के समान है, तो इतना अभ्यास हो जाए कि वो वस्त्र के समान इसको उतार दे, उससे अलग हो जाए। ये तो और कोई प्राप्ति किसी पुरुषार्थ से भी नहीं हो सकती। तो इस प्राप्ति को हमें सर्व प्रमुख मानना चाहिए, इसको जो स्थान देना चाहिए सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। और ठीक है, किसी को शुरुआत करने के लिए चूंकि उसको वो चीज चाहिए वो हमें उसको दे देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये ध्यान रहना ही चाहिए हमारा कि हम उसको बताएं कि योग से तो बहुत प्राप्ति है, ईश्वरी अगर हमारे साथ हो गया तो फिर बाकी क्या है। लेकिन योग लगेगा कैसे, लगता क्यों नहीं? अपने भी जो योग सिखाने वाले हैं योग की विधि तो सिखा देंगे, ट्रेनिंग हो गई कि योग कैसे सिखाना चाहिए। सिखाना अलग चीज है लेकिन लगाना अलग चीज है। खुद लगा लें तो वो बात है, होना तो यही चाहिए कि खुद जो लगाएं तभी सिखा सके, लेकिन यहाँ इसके विपरीत है कि सिखाते हैं और लगाते नहीं। वो कहते हैं दी बेल्स कॉल अदर्स टू चर्च बट डू नॉट देमसेल्व्स गो, औरों को नसीहत खुद मियां फसीहत, वो वाली बात है। दूसरों को कहते हैं और ये सीखो और ये सीखो, इसमें ये फायदा है। खुद हम कितना टाइम योग में रहते हैं? सबसे जो हमारा वीक सब्जेक्ट है, हम सब स्टूडेंट्स हैं और सबसे जो निकम्मे हैं हम, जिसमें गोल अंडा मिलता है, अंडे तो नहीं खाते हैं लेकिन एक अंडा मिलता है हर एक को आंसर बुक में, आप चाहो या ना चाहो। वो दिन भर का जो योग है, सुबह को सुस्ती होती है, आलस होता है, नींद पूरी हुई नहीं होती, बाद में लगाते नहीं, खाते पीते और सोते हैं, ईटिंग मीटिंग और सीटिंग जिसको कहा जाता है वो होता रहता है, तो योग कैसे लगेगा, कब लगता है, कुछ होता नहीं, यही होता है ना सारा दिन। ये सुख प्राप्त करते हैं, योग का जो सुख है वो नहीं प्राप्त करते। तो योग कैसे लगेगा, हमने बताया योग की भूमिकाएं होती हैं, 8 भूमिकाएं योग की हैं, उनका विस्तार से अभी हम वर्णन नहीं करते, लेकिन जो चित्त भूमि है, धरनी जैसे तैयार की जाती है, कोई फसल आपको उगानी है तो उसके लिए बीज बोना पड़ता है, और बीज बोने के लिए पहले धरनी
जमीन तैयार करनी पड़ती है, जमीन में हल चलाना पड़ता है, उसको सींचना पड़ता है पानी से, उसमें कोई कंकर पत्थर रोड़े वगैरह हो वो निकालने पड़ते हैं, तो भूमि को पहले तैयार करना पड़ता है। तो योग की भी भूमि तैयार करनी पड़ती है और फिर अधिक उसको ज्यादा डिवेलप करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है। उसकी स्टेजेस होती हैं हर एक की, हर एक चीज की दुनिया में स्टेजेस होती हैं, ऊंची से ऊंची और नीची से नीची। ये तो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, किसी भी पुरुषार्थ में होता ही है। तो उसमें जो यम नियम है, जो दूसरे लोग के योग का अभ्यास करने वाले हैं, जो पतंजलि के राज योग की बात कहते हैं, वो यम नियम की बात कहते हैं। हमारे यहाँ उसको दिव्य गुण, दिव्य गुणों की धारणा या मर्यादाएं और नियम कहते हैं। तो मर्यादा और नियम का अगर पालन नहीं होता, दिव्य गुणों की अगर धारणा नहीं होती, तो योग कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। अगर धरनी तैयार नहीं होगी तो बीज सड़ जाएगा, अगर उसको पानी से सींचा नहीं जाएगा, उसको धूप मिलेगी नहीं, हवा लगेगी नहीं, उसकी रक्षा होगी नहीं, जो भी उसके लिए आवश्यक कंडीशंस हैं वो मेंटेन किए नहीं जाएंगे, तो वो फल के रूप में प्रकट कैसे होगा? तो होगा नहीं।